Hello and welcome to Homeopathic Medicine Award. After a long time, I will take a new medicine, polycross medicine of honeyman. Natrum Muriaticum, जो कि नमक में से बनती है. आज मैं उसके पहले पार्ट में, नेट्रम के पहले पार्ट में आपको फिजिकली उसके सिम्टम्स कैसे आते हैं, यानी कि पहले मेंटल अफेक्ट होता है, मेंटल में से फिजिकल आते हैं. तो मेंटल कैसे अफेक्ट होता है, मेंटलिटी उसकी होती कैसी है, नेटर्मियो की कैसे सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है, वो सब दिखाऊंगा. फिर उस मेंटल कंडीशन कहाँ से शुरू होती है वो दिखाऊंगा. फिर आगे सेकंड पार्ट में मैं आपको उसके फिजिकल के दिखाऊँगा, फिजिकल सिम्टम्स जो कि मेंटल के बाद आते हैं, वो भी पिक्युलर करेक्टरिस्टिक है, वो सेकंड पार्ट में देखेंगे. पहले पार्ट में हम मेंटल देखेंगे नेटर्मियो के. तो करी चलिए स्टार्ट करते हैं नेट्रम म्यूरेटिकम. इंट्रोडक्शन. कॉमन सॉल्ट, ये तो मैंने पहले कहा, ये मेडिसिन कॉमन सॉल्ट के सॉल्ट में से बनती है, जिसके ट्रेचुरेशन होती है, उसके बाद पोटेंटाइजेशन होता है. ट्रेचुरेशन पोटेंटाइजेशन है. पोटेंटाइजेशन होने के बाद इसको मेडिसिन के रूप में हम यूज़ करते हैं होम्योपैथी में. प्रोब बाय डॉक्टर हनीमैन. एमेशिएटेड पर्सन. एमेशिएटेड पर्सन मीन्स पूरा वो पतला, लीन, थिन, ऐसा दुबला पतला होता है. इसका कोई फैटी पर्सन नहीं होता. नेटर का दुबला पतला स्मार्ट लुकिंग पर्सन होता है. नर्वस टेम्परामेंट. नर्वस टेम्परामेंट मतलब ये बहुत ही ज़्यादा नर्वस तो आप सबको पता है. मीन्स इसमें मैंने सिम्टम में लिखा है, इट एक्स क्विक डिसीजन एंड एक्ट्स वेरी रैपिडली. इसका मतलब जल्द से जल्द कोई डिसीजन ले सकता है, क्विकली डिसीजन ले सकता है, क्विकली उसको एक्ट भी कर सकता है परफेक्टली. नर्वस, ये नर्वस टेम्परामेंट की खासियत है कि जल्द से जल्द डिसीजन लेता है, जल्द से जल्द उस पर अमल कर देता है. लेकिन ऐसा सिम्टम हमें अर्जेंटिनम ग्रुप में भी मिलता है, लेकिन वहाँ पे डिफर है. यहाँ पे नेट्रम ग्रुप नर्वस टेम्परामेंट में जल्द से जल्द डिसीजन लेता है, लेकिन वो सोच समझ के डिसीजन लेता है और एक्ट भी परफेक्टली करता है. लेकिन अर्जेंटिनम बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले, कोई भी काम फटाफट कर देगा. जो हड़बड़ाहट में सोचेगा ना इसका क्या होगा, ये नेटर्म सब कुछ सोच समझ के स्पीडली डिसीजन लेता है और अर्जेंटिनम का अड़बड़ाहट में ले लेता है. एक्स रेबल इन लोकोसिटी, ये नर्वस टेम्परामेंट का सिम्टम है. फिर आते हैं हॉट पेशेंट. नेटर्म हॉट पेशेंट है, फिर भी इसको कहीं कम्प्लेन, जैसे कफ है, हेडेक है, वो कफ मेनली वो कोल्ड से होता है एग्रावेट. बाकी सब एग्रावेशन सब हीट से होता है, सिर्फ एक कोल्ड ही है जो इसको कुरेज ही है जो इसको कोल्ड से शुरू होता है. तो चलिए अभी मेंटल की तरफ जाते हैं. पेशेंट थिंकिंग मीन्स पेशेंट इसका सोचता कैसे, इस नेटर्मियर का जो पर्सन होता है वो सोचता कैसे. डिग्निफाइड. अब डिग्निफाइड मीन्स अपने ऊपर, अपने को अच्छा समझता है, दूसरों से ज़्यादा खुद उनके ऊपर है, बहुत अच्छा है ऐसा समझता है नेटर्मियर का पर्सन. अब इसके साथ ही हम लेते हैं एक्सक्लूसिव टू. अब एक्सक्लूसिव टू मीन्स कोई भी जानिए, कोई भी फैक्ट्री है उसमें सभी एम्प्लॉय, उसमें से एक एम्प्लॉय सबसे अच्छा काम करता है, सबसे बढ़िया काम करता है. तो जब कोई बाहर का आदमी उसे पूछेगा कि यहाँ में सबसे अच्छा वर्कर कौन है, कौन अच्छा काम करता है, तो बोलेगा सबसे बढ़कर मैं हूँ, मेरी वजह से यहाँ पे सब काम अच्छा होता है, सब में से मैं ऊपर हूँ. ये एक्सक्लूसिव टू है, सब में से खुद को अच्छा दिखाएगा. इंडिपेंडेंट. अभी एक्सक्लूसिव टू है, डिग्निफाइड है, खुद को अच्छा बताता, खुद ही इंडिपेंडेंट होगा, किसी की बात सुनेगा नहीं, खुद को जो अच्छा लगेगा वही करेगा. एंग्जाइटी डार्क. एंग्जाइटी डार्क का मतलब अगर उस पेशेंट को अथवा उस पर्सन को कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको भले उसका जवाब पता ना हो क्या होता है वो, लेकिन वो ऐसे नहीं दिख रहा कि आपको उसको पता ही नहीं है. वो ऐसे सामने क्वेश्चन करेगा कि आपको, आप मजबूर हो जाएंगे उसको बताने के लिए कि ये ऐसा होता है. मीन्स के
एंजाइटी डार्क है, ये सब स्टेफिसग्रिया में, स्टेमोनिया में भी है, सेमस में भी है, लेकिन वहाँ पर एंजाइटी डार्क अलग है, यहाँ पे भी अलग है। फिर आता है लाइट डिजायर, फिर लॉयलिटी एंड सीक्रेट है, ये एक परफेक्ट मेडिसिन है लॉयलिटी के लिए। इसमें और भी आती है, पल्सेटिला आती है, अर्जेंटिनम नेटिकम भी आती है, कई ज़्यादा मेडिसिन है, लेकिन लॉयलिटी में नेट्रोम्यूर भी आती है, क्योंकि वो अपने नेट्रोम्यूर का पेशेंट है ना, उसके फ्रेंड्स बहुत ही कम हो गए, बहुत ही बहुत, लेकिन ऐसे फ्रेंड हो गए जिसके ऊपर वो सबसे ज़्यादा विश्वास कर सकता है और उसको सारी बातें बनेगा बताएगा। और इसमें आगे भी एक सिम्टम आएगा नेट्रोम्यूर में कि नेक डिजायर फॉर, नेक वॉन्ट फॉर, इसका मतलब है कि अपने जो कुछ विचार है, अपने जो कुछ थिंकिंग है, वो उसको सारे बताएगा, खुद का सब कुछ उसको बता देगा। लॉयल है, उसके ऊपर पूरा भरोसा करता है। एंड सिक्रेटिव भी होता है, सिक्रेटिव कहाँ होता है, जहाँ उसको ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो एक लोकोसिटी में भी है, लेकिन सारी बात नहीं बताता, सिक्रेटिव है, इसलिए वो खुद समझता है कि क्या बात बतानी चाहिए, क्या बात नहीं बतानी चाहिए। अब आगे आते हैं, पहले हमने ये देख लिया पेशेंट पर्सन क्या सोचता है जब वो डिजीज कंडीशन में नहीं होता तब। अब आगे आते हैं मेंटल बिल्डिंग, अब उसका डिजीज कैसे शुरू होता है, डिजीज हो गया, कोई भी उसका इमोशन आ गया, कुछ भी ऐसा एलिमेंट्स आ गया, तो उसके बाद उसके मेंटल में कैसे होती है। हमने पहले देखा इसको एक्सक्लूसिव टू है, डिग्निफाइड है, खुद को अच्छा बताता है, खुद को ऊपर रखता है। अब जब इसकी कोई लॉयल है, सीक्रेटिव है, यानी कि अपने दोस्त से सब कुछ शेयर करेगा जिसके ऊपर पूरा भर, और वो जब वो दोस्त उसकी सीक्रेटनेस शेयर करता है दूसरे के साथ, तब इसको हर्ट होता है, तब इसका मेंटल सिम्टम स्टार्ट होता है, जो कि अनप्रोटेक्टेड मीन्स के वो उसको सहन नहीं कर पाता कि उसने उसको क्यों बता दिया। ये लॉयल है, उसको भी लॉयल रहना चाहिए। यानी और अगर हम डिग्निफाइड और एक्सक्लूसिविटी की मदद से समझे, तो यह सब में से खुद को अच्छा बता रहा है, तो सबको भी उसको ऐसा ही बताना चाहिए। अगर किसी ने कह दिया कि नहीं इससे अच्छा मैं हूँ, तो ये खुद डिजीज कंडीशन में जाए, मैं इतना अच्छा हूँ, तो फिर ये कैसे बोल सकता है। और दूध और सब में से वो अच्छा है, किसी ने बोल दिया नहीं ये अच्छा नहीं है, इसका काम अच्छा ही नहीं है, वो खुद को अच्छा समझता है, लेकिन किसी ने उसको बुरा कह दिया, फिर तो भी इसकी मेंटल कंडीशन वर्स हो जाएगी। तो अफेक्शन अफेक्ट है, और जब सामने वाले ने हर्ट किया तो अब इसके मेंटल सिम्टम शुरू हुए। लव इज मैरिड मैन, अफेक्शनिस्ट है, जल्द से जल्द किसी से अफेक्शन में आ जाएगा। फिर आता है लव इज मैरिड मैन, ये आपने कई मेडिका में सुना होगा कि इसको रॉन्ग लव हो जाता है, फर्स्ट लव मैरिड मैन अथवा रॉन्ग मैन। आपने कई ऐसी लव मेरे देखी होगी जिसमें लड़की कम से कम उम्र की और लड़का बहुत ज़्यादा उम्र का है, लव मैरिज अरेंज मैरिज नहीं, लव मैरिज में ऐसा होता है। ये लव विथ मैरिड मैन, ये नेट्रोम्यूर की लड़ी होती है, ये मैन में भी आ सकता है कि मैन है वो बहुत छोटा और उसकी जो पत्नी है वो बहुत ही ऊँची है, बहुत ही ज़्यादा उससे ज़्यादा उम्र की है, ये भी लव विथ मैरिड मैन में आएगा। लव विथ रॉन्ग पर्सन, ये आपने कहीं देखा होगा कि कोई लड़की कोई किसी रिक्शा से, ड्राइवर वाले से, घर के काम वाले से भाग गई, या फिर घर का लड़का किसी दूसरी जाति की लड़की के साथ, या जिनको वो पेरेंट्स अलाउ नहीं करता उनसे वो प्यार कर लेता है, ये सब लव विथ रॉन्ग पर्सन है। यानी कि दोनों कैरेक्टर की मेंटल भले ही उसके विचार भले सेम हो सकते हैं, लेकिन उसके कैरेक्टर उसके वो जहाँ से आते वो सब डिफरेंट रोड है, मीन्स लव विथ रॉन्ग पर्सन होते हैं। सेमलेस इन बेड, ये हमने देखा आगे लॉयल सीक्रेटिव है, जो उसके फ्रेंड के साथ होता है तो सारी बात बताता है। सेमलेस इन बेड, इसका मतलब हम कोई अलग अर्थ नहीं लेते वो नॉनवेज तरीके से, लेकिन सेमलेस इन
का मतलब ये होता है कि वो खुद को, खुद की सारी बातें, खुद की वो पूरा ओपन बुक हो जाता है उसके फ्रेंड के सामने, जिससे वो प्यार करता है उसके सामने, सेमलेस इन बेड, मोर अ फीलिंग वॉन्ट ऑफ नेक्ड वॉन्ट्स टू बी। ये भी यही है कि वो, और ये हम पेशेंट की तरफ से कहें, जब पेशेंट हमारे क्लिनिक में आता है तब तब भी हम ले सकते हैं, वो कुछ भी हमें हमसे छुपाएगा नहीं, उसको पहले हमें दिलासा दिलाना होगा कि हम उसकी सारी इमोशन समझ सकते हैं, हम उसके जैसे ही है, तब वो खुल के अपने बारे में बताएगा और सब कुछ बताएगा, जो भी उसको बिना हिचकिचाहट के सब कुछ बताएगा। मोरल फीलिंग वॉन्ट ऑफ नग्न वॉन्ट्स टू बी, नग्न वॉन्ट्स टू बी मीन्स पूरा ओपन बुक होकर सब कुछ बताएगा फिजिशियन को, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। लेसिवियस लिविंग इन, लेसिवियस इन इवनिंग इन बेड मीन्स पूरा ओपन हो जाता है। ये भी वर्ड सेम ही है, इंट्रोवर्टेड। आपने भी कहीं मटेरियल डिफाइन सुना होगा, नेटोम्योर इंट्रोवर्टेड। इंट्रोवर्टेड मीन्स खुद के अंदर ही बात छिपा कर रखता है, ज़्यादा तो दूसरों को नहीं बताता। ये भी लॉयलिटी और सीक्रेटिव के साथ ही आएगा। अब आते हैं एलिमेंट्स मीन्स, ये सब मोरल फीलिंग वॉन्ट ऑफ लेसिवियस, सॉरी ये नहीं, लव इज मैरिड मैन है, लव इज रॉन्ग पर्सन है, ये हो जाएगा। उसके बाद मेंटल सिम्टम्स आएंगे, जो उसकी डिजीज कंडीशन में ट्रांसफर हो गए, वो कहाँ से आएंगे? तो पहले देखा है इसको, लव लव इज मैरिड मैन है, लव इज रॉन्ग पर्सन है, तो एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट, जब वो किसी से प्यार करता है, सब कुछ नचा करता है और वो उसे हर्ट करता है, तब इसकी मेंटल कंडीशन वर्स हो जाएगी, लव इज लव डिसअपॉइंटमेंट। एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशन, जिलसी, एनवी एंड हेट, ये सब वो हमने एक्सक्लूसिव टू के, एक्सक्लूसिव टू डिग्निफाइड में बताया, इसने कि वो सबको खुद समय से खुद को अच्छा बताता है, अगर किसी ने उसको डांट दिया, किसी ने उसको तू अच्छा नहीं है, सब में से तेरा अच्छा काम नहीं है, ये सब बता दिया, या फिर उसके जो कलीग के सामने अच्छे रिलेशन है, बाहर हमने देखा है नेक्ड वॉन्ट्स टू बी है और लसी वैसी न्यूनिंग, अगर किसी को यह पता चल गया उसने बता दिया, तब तो सबके सामने तो इसकी इज्जत चली जाएगी, क्योंकि सब में से वो बढ़िया है। तब इसको एलिमेंट्स आता है कि सब मैं सबके सामने इतना अच्छा हूँ, इसने और उसने मेरा इज्जत घटा दिया, तब उसके मेंटल कंडीशन स्टार्ट होती है, इंडिग्नेशन, जिलासी, किसी ने इसके कल में यह सब सच, कल कोई भी और अच्छा हो जाएगा तो जिलसी हो जाएगी, मैं अच्छा हूँ ये कैसे हो सकता है मेरे से ज़्यादा, एनवी एन एड, फिर वो एनवी हो जाएगा, जिलसी आ जाएगी, उससे वो हेट करने लगेगा। अब आते हैं एलिमेंट्स मीन्स, उसने लव कर लिया, इंडिग्नेशन, वो एक्सक्लूसिव है, लव डिसअपॉइंटमेंट आ गया, उससे इंडिग्नेशन हो गया, अब तो मेंटल कंडीशन कैसी चेंज होगी उसकी, डिल्यूजन, इंसल्टेड इज, हमने पहले देखा कि किसी ने उसको भला बुरा कह दिया तो उसके मन में वो विचार आते रहेंगे कि इसने मुझको ऐसा कैसे कह दिया, मैं इतना अच्छा हूँ, तो भी डिल्यूजन इंसल्टेड ही इज, वो खुद सोचेगा मैं मुझे क्यों इंसल्ट कर सकते ये लोग, मैं इतना अच्छा हूँ, मुझे क्यों इंसल्ट कर सकते। फियर ऑफ बींग पिटीड, पिटीड मीन्स आपने हमारे से, इसमें और एक सिम्टम आएगा कंसोलेशन, एग्रावेशन, उसके बाद ये दोनों सिम्टम्स या फिर रूब्रिक एक साथ ही आ जाए, फियर ऑफ बींग पिटीड, एग्रावेशन फ्रॉम कंसोलेशन। इसको ये भले कैसे भी वर्स कंडीशन में हो, कोई इसको उसकी कंडीशन या दिलाएगा और उसकी कंडीशन के बारे में बुरा बोलेगा या फिर उसको ऐसे सहानुभूति देगा, ये उसको नहीं जमता, क्योंकि इससे ये खुद अच्छा है तो ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा, यानी कि कोई उससे उसकी बीमारी के बारे में बोलेगा तो इसको अच्छा नहीं लगेगा, वो बोलेगा ये नहीं, कुछ और बात करो, मुझे ये नहीं बोलना, या फिर तरह की बात फेर देगा या फिर गुस्सा हो जाएगा। एग्रेशन कंसंट्रेशन, फियर ऑफ बींग पिटेड, पिटेड मीन्स उसको उसके बारे में कोई नहीं बोल सके, कोई उसके आईना दिखाए वो कैसा है और कैसा उस कंडीशन कैसे, ये इसको अच्छा नहीं लगेगा। एवर्जन टू फ्यूज वेल्स पास्ट डिसग्रीबल अकरेंस, वेल्स पास्ट डिसग्रीबल अकरेंस मीन्स पीछे जो कुछ भी उसके साथ हो गया, हर्ट या किसी ने लव डिसमेंटमेंट में आ गया,
तो उसके बारे में सोचता रहेगा, इसके सारे ब्रूडिंग हुआ ग्रीफ, उसकी जो मेंटल कंडीशन पहले आई है, उसके जो इमोशन है, उसके बारे में सोचता सोचता रहेगा मन में, उसके ही बारे में ब्रूडिंग करता रहेगा, बार बार वही आता रहेगा उस मन में। हेटेड ऑफ पर्सन वो अफेक्टेड हिम, पहले लव डिसमेंट में उसके बारे में सोचता रहेगा, फिर उसके ऊपर उसको गुस्सा आएगा कि ये मुझे ऐसा कर सक क्यों कर सकता है, कैसे कर सकता है मेरे ऊपर। हेटेड ऑफ पर्सन वो अफेक्टेड हिम एंड हेटेड एंड रिवेंज फुल, हेट हो गया अब उस वो रिवेंज लेने की नरमिक्स में इतनी बुरी तरह से वो रिवेंज ले सकता कोई सोच नहीं सकता। जैसे उसका इमोशन जितनी तीव्रता में उसका इमोशन उतनी तीव्रता से वो रिवेंज लेगा उसका, किसी को छोड़ेगा नहीं। तो आज हम देख लिया मेंटल कंडीशन कैसे शुरू होती है, मैं नेटर में पेशेंट बनता कैसे, और नेटर में पेशेंट की मेंटल कंडीशन हेल्दी कंडीशन में से डिजीज कंडीशन में कैसे चेंज होती है। पहले वो डिग्निफाइड है, सब में से खुद को अच्छा अच्छा दिखता है, भले ही वो है बिलो लेवल का, मीडियम लेवल का, लेकिन दिखेगा वो हाई लेवल का। कपड़े भी ऐसे पहनेगा एक्सक्लूसिव जैसे पहने कपड़े पहनेगा उस वो, और है कि इसमें नहीं है, नेटर म्यूर पेशेंट को एक्सक्लूसिव मीन्स कपड़े अच्छा बनेगा और उसको जल्द से जल्द चेंज करने, कोई भी अभी आज पैकेट लिया तो कल दो तीन दिन नया पैकेट, नया पर्स लेगा, नया बुक लेगा, नया पेन लगा, उसको सबको अच्छे दिखाने का, नया नया एक्सक्लूसिव दिखाने का मन होता है, क्योंकि वो सब में से खुद को अच्छा दिखाने का कोशिश करता है और खुद को अच्छा रहना होता है इसलिए। फिर आया हम लॉयलिटी, किस कोई फ्रेंड से कम उससे कम कम से कम दोस्तों के, जिससे जो दोस्तों के उसके ऊपर वो पूरा भरोसा करता होगा, और फिर बाद में अगर वो फ्रेंड उसका भरोसा तोड़ दे तो उसके उसके बारे में वो ब्रूडिंग करता रहेगा, ड्वेल्स करेगा, उसके बाद उसको हेट होगी, उसके ऊपर गुस्सा आएगा तो उसने जैसे कि उससे भी ज़्यादा उसके रिवेंज लेगा। और अगर हम इसको ये वो फिश का एग्जांपल उसके बारे में ले तो किसी ने उसको बता दिया तू ऐसा नहीं है, तू जैसे सोच रहे वैसा इतना एक्सक्लूसिव नहीं है, तो ये मन में विचारेगा फिर उतना अच्छा बन जाएगा सही में, किस लिए, क्योंकि उसको रिवेंज लेना है, जिसने उसको कह दिया उससे भी वो अच्छा बनेगा और फिर उस रिवेंज लेगा, तूने मुझे ऐसा कहा अब देख तू कहाँ है, ये रिवेंज है, ये जलसी है नेटर मेरिट का। तो आज हमने फिजिकल लेवल देख लिया, अब हम देखेंगे आगे के पार्ट में फिजिकल कंडीशन मीन्स मेंटल डिजीज हो गया, उसको कंसोलेशन एग्रेशन हो गया, कोई उसको पीटेड आईना दिखा दे वो खुद कैसा है, वो नहीं उसको बर्दाश्त होगा, ये सब डिजीज कंडीशन में। और जब ये ब्रूडिंग बार बार चलती रहेगी रिवेंज नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो उस क्षमता में नहीं होगा कि वो रिवेंज ले सके, तो बार बार मन में सोचता रहेगा, वो ही फिजिकल में आएंगे, फिजिकल पार्ट टू में देखें। और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में आपके होम्योपैथिक स्टूडेंट फ्रेंड हो और कोई होम्योपैथी जानने की इच्छा रखता है तो आप उनको ये वीडियो दे पहुँचा दीजिए, ताकि वो भी होम्योपैथी के बारे में जान सके कि होम्योपैथी वर्क कैसे करती है, होम्योपैथी में मेडिसिन हम कैसे दे सकते हैं, मेंटल कंडीशन सब लोग कहते हैं होम्योपैथी मेंटल कंडीशन से इंस्पायर होती है, यानी कि होम्योपैथी में हम पूरा बॉडी का जो सिम्टम है वही देख के हम मेडिसिन देते हैं, कोई भी एक पिक्यूलर सिम्टम एक से दो सिम्टम में मेडिसिन नहीं दे सके, तो वो भी समझ सकते हैं कि होम्योपैथी फिजिशियन को अपनी मेंटल अवस्था के बारे में बताना कितना ज़रूरी है, ताकि वो अपनी मेडिसिन परफेक्ट यूज़ कर सके आपके हेल्थ के लिए। तो थैंक यू एंड वी मीट इन अदर पार्ट ऑफ नेटर म्यूरिटी।